बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको टेस्टी फूड वीडियो में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा, जिसके लिए सबसे पहले हमने चने की दाल ली है हाफ के जी, और इसको अच्छे तरीके से धो के और 3 से 4 घंटे के लिए सूख करने रख दिया था। 1.5 लीटर हमने दूध लिया है, 2 कप हमने शुगर ली है, ऑयल लिया है 2 कप, ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। तो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें चने की दाल का हलवा बनाने के लिए। अब सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें मिल्क ऐड कर देंगे, फुल फैट मिल्क लिया है हमने, और उसको थोड़ा बॉयल आने तक हम पकाएंगे। इसमें बॉइल्ड आ गया है, इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे और अब इसको लो फ्लेम पे दाल के साथ पकने के लिए रख देंगे जब तक दाल गल नहीं जाती। अब हम दाल चेक करेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी सी गल गई है, लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ी और पकानी है, तो उसको तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए और पकने के लिए रख देंगे। दाल हमारी अच्छे से गल गई है, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको चॉपर में पीस लेंगे दाल को। ये देखें, इसको इस तरह से पेस्ट बना लिया हमने इसको। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी ऐड कर देंगे और उसमें जो हमने दाल का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। अब दाल का जो दाल जो है उसको हम घी के साथ भुनाई करेंगे, उसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, इसका कलर चेंज हो जाए। और मुसलसल हिलाते जाना है। जब तक यह दाल भून रही है हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। 2 कप हम शुगर लेते हैं, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे उसमें, और इसमें शुगर मेल्ट कर लेंगे पानी में। इसका कलर चेंज हो गया है और इसने घी छोड़ दिया। बस 2 से 3 मिनट इसको और भूनेंगे। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब जो हमने पानी में चीनी मेल्ट की थी वो ऐड कर देंगे और उसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक मीडियम फ्लेम पे। देखें गाढ़ा हो गया, अब इसमें बादाम ऐड कर देंगे। तो तैयार है यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का चने की दाल का हलवा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।